बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम मैथ का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तमाम बच्चे मैथ की बुक अपने सामने रखिए। ओपन योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 2। बच्चों, आज हम पेज नंबर 2 पे काम करेंगे। पेज नंबर 1 पे हम काम कर चुके थे। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ आज की डेट लिखेंगे, यहाँ मंथ लिखेंगे और यहाँ ईयर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, सी डॉट द ब्लू क्लास वर्क। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने आइकन्स देखने हैं। इनके कॉर्नर पे आपको आइकन्स बने हुए नज़र आ रहे होंगे। इन आइकन्स की मदद से हमें पता चलता है कि हमें इस पेज पे क्या काम करना है। तमाम बच्चे मेरे साथ काउंट करें, कितने आइकन्स हैं। 1 2 1 2। कितने आइकन्स हैं, 2 आइकन्स हैं। और 2 आइकन्स कौन कौन से हैं, रीड राइट। रीड मीन्स पढ़ना, राइट मीन्स लिखना। रीड एंड राइट, पढ़िए और लिखिए। बच्चों, हमें क्या करना है, हमारा पहला आइकन क्या है, फर्स्ट आइकन है हमारे पास रीड। हमें यहाँ पे रीड करना है। तमाम बच्चे देखिए, यहाँ पर आपको चैन बनी हुई नज़र आ रही है। इस चैन में कुछ बिट्स लगे हुए हैं। तमाम बच्चे मेरे साथ काउंट करें और देखिए कि वन चैन में कितने बिट्स हैं। काउंट करें तमाम बच्चे मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वन चैन में कितने बीट्स हैं, 10 बीट्स हैं। और ये देखिए, इसके सामने कुछ नहीं बना हुआ ना बच्चों, यहाँ पे ना कुछ सर्कल्स है, ना किसी भी कोई भी पिक्चर्स नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल एम्प्टी है। तो इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है। तो हमने देखिए, सामने लिखा हुआ है टी के नीचे 1 और यू के नीचे 0, 1 0 10। इसी तरह ये देखिए, यहाँ पर भी 1 चैन है और कितने यूनिट्स हैं, 1 यूनिट, 1 1 11। ये देखिए, यहाँ पर भी देखिए 1 चैन है और यूनिट्स कितने हैं, 1 2। ये देखिए, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 1 2 12। ये देखिए, यहाँ पे 1 चैन, ये देखिए हमने यहाँ पे 1 मेंशन हुआ हुआ है और कितने यूनिट हैं, 1 2 3। ये देखिए, 3 यहाँ मेंशन हुआ हुआ है। यहाँ पे भी देखिए 1 चैन और यूनिट्स कितने हैं, 1 2 3 4। ये देखिए, यहाँ 4 मेंशन हुआ हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर भी 1 चैन है, यहाँ 1 मेंशन हुआ हुआ है और यूनिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। ये देखिए, यहाँ 5 मेंशन हुआ हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 1 चैन है, यहाँ पे 1 मेंशन हुआ हुआ है और यूनिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, यहाँ 6 मेंशन हुआ हुआ है। यहाँ पे भी देखिए 1 चैन, 1 मेंशन है और यूनिट्स कितने हैं, काउंट करें मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए, यहाँ पे 7 मेंशन हुआ हुआ है। यहाँ पे भी देखिए 1 चैन है, यहाँ 1 मेंशन हुआ हुआ है और यूनिट्स कितने हैं, काउंट करें मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए, 8 मेंशन हुआ हुआ है। सबसे लास्ट में देखिए, यहाँ पे भी 1 चैन है, 1 मेंशन हुआ हुआ है और यूनिट्स कितने हैं, काउंट करें मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए, 9 मेंशन हुआ हुआ है। इस तरह हमारा फर्स्ट आइकन डन हो गया, हमने रीडिंग कर ली। अब सेकंड आइकन क्या है हमारे पास, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। ये देखिए बच्चों, इस रॉ में जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, उसको हम सामने वाले रॉ में बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। तमाम बच्चे मेरे साथ लिखना शुरू करिए। टी के नीचे हम क्या लिखेंगे, 1, और यूनिट के नीचे हम क्या लिखेंगे, 0। बच्चों देखिए, थोड़ा सा गंदा हो गया ना, अगर आपका भी काम गंदा होगा तो आप भी इसको रब करिएगा और दोबारा से बनाइएगा। गंदा गंदा काम नहीं करते ना, फॉर्मेशन के साथ और अच्छा अच्छा काम करेंगे। दोबारा बनाइए मेरे साथ, यू के नीचे क्या बनाएंगे हम, 0। इसी तरह देखिए, आप नीचे क्या लिखेंगे, टी के नीचे हम क्या लिखेंगे, 1, और यूनिट के नीचे क्या लिखेंगे हम, 1 1 1 11। इसी तरह क्या करेंगे हम, 12 के सामने हम 12 लिखेंगे, 13 के सामने 13 लिखेंगे, 14 के सामने हम 14 लिखेंगे, 15 के सामने हम 15 लिखेंगे, 16 के सामने हम 16 लिखेंगे, 17 के सामने 17 लिखेंगे, 18 के सामने हम 18 लिखेंगे,
नीट एंड क्लीन काम करेंगे और फॉर्मेशन का ध्यान रखेंगे। 19 के सामने हम 19, इस तरह हमारा काम कंप्लीट हो गया। हमने अपने दोनों आइकन्स डन कर लिए। उम्मीद है कि आपको काम समझ में आया होगा। फॉर्मेशन का ख़ास ख्याल रखिएगा अपना और नीट एंड क्लीन काम करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।